हाय गाइस, वेलकम टू मेहंदी एंड फूड बाय तन्वी। सो आज हम वापस आ गए चिराग के घर और आज हम तीन चीज़ें बनाने वाले हैं। बट मैं सबकी रेसिपी अलग अलग दिन पे पोस्ट करूँगी क्योंकि फिर एक ही वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और फिर प्रॉब्लम्स होती है, मतलब सब देख नहीं पाते। सो मैंने डिसाइड किया है कि तीन चीज़ें तो मैं बनाऊँगी बट आई विल पोस्ट वन रेसिपी टूडे, अनदर रेसिपी ऑन द नेक्स्ट डे और फिर सो ऑन। सो टुडे आई एम गोइंग टू मेक थ्री थिंग्स। वो आपको वीडियो के एंड में, मतलब अभी मैं फर्स्ट वीडियो में, मतलब ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आई एम गोइंग टू मेक चॉकलेट ओरियो चॉकलेट शॉट्स। सो आप प्लीज़ उस वीडियो को देखना, पूरा वीडियो देखना और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कॉमेंट करना। बाय गाइस। हाय गाइस, सो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ ओरियो बाइट बनाने के लिए। सो फॉर दैट मैं ये जो क्रीम है ना वो इसके अंदर निकाल लूंगी और इसको मिक्सर जार में ऐड कर दूंगी। हमें क्रीम सब चीजों का क्रीम ऐसे निकाल लेना है, मतलब सब ओरियोस का, और बिस्किट्स को ग्राइंड कर देना है। ऐसे हमें सारी बिस्किट्स के साथ कर लेना है फटाफट, और जो हमारी बाकी की, मतलब जो हमने ये मिक्सचर जार में ऐड की है वो क्रीम हमें, सॉरी, तो हमें, मैंने ये बिस्किट्स ऐसे निकाल ली है और मेरा फोन बीच में ही गिर गया था तो इसीलिए मैं वो शूट नहीं कर पाई। अभी इसे हमें ग्राइंड कर लेना है और ये जो मिक्सर है उसको हमें ऐसे ही रखना है। मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। अभी मैंने ये जो ओरियो का क्रश कर लिया है और मैं उसको निकाल लूंगी मैं थोड़ा सा चॉकलेट सिरप ऐड कर दूंगी बाइंडिंग पर्पस के लिए। आप कुछ भी ऐसे यूज कर सकते हो चॉकलेट के रिलेटेड, और हल्का सा मैं दूध डाल दूंगी। आप रूम टेम्परेचर का भी दूध यूज कर सकते हो। अभी मेरे पास दूध ठंडा गर्म ही वाला था तो इसीलिए मैंने वो यूज किया है, और हम अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसको, मतलब ऐसे पूरा एक सर्कल जैसा बन जाएगा ना, वैसे उतना कंसिस्टेंसी, मतलब अगर दूध आपको कम लग रहा है, अगर आपका ऐसे पूरा छूट रहा है ना तो आप थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हो, बट मेरा परफेक्ट ऐसे बन जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है। तो हमें इसको पूरा ऐसे ले लेना है और एक सर्कल जैसा बना लेना है। अब ये तो हमारा बन गया है, तो फिर उसके बाद अब हम इसको ऐसे छोटे छोटे राउंड्स कर लेंगे। और ये हमने राउंड कर लिया, फिर उसके बाद हम ऐसे प्रेस कर देंगे। और जो ये जो क्रीम हमने जो निकाली थी, आपको पता होगी, पता है ना, जो हमने जो हमने क्रीम निकाली थी उसके हम ऐसे सर्कल्स बना देंगे और उसके अंदर मस्त ऐसे रोल कर लेंगे। क्या बात इसे पूरा उसे कवर कर लेना है ऐसे। अब से मोदक की जगह यहीं पे बनाएंगे, गणपति अप्पा भी खुश हो जाएंगे, हमारे जनरेशन का मिठाई है जरूर। ये देखो ऐसे हमें बना लेना है। अब मैंने ये एक बना लिया,
अब मैं दूसरा वाला बना रही हूँ। थोड़ी बीच की क्रीम ना कम भरना, तो ही वो पूरा राउंड होगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट वाला थोड़ा सा ऐसे राउंड बना था, पर मैंने उसको कैसे कैसे एडजस्ट कर लिया। तो आप ऐसे पूरा ऐसे बीच की क्रीम थोड़ी कम फील करना। फिर हम सेम इसमें भी करेंगे। इसको भी हम एक सर्कल बना लेंगे। और ऐसे बीच में रख देंगे और उसको पूरा फोल्ड कर देंगे। देख रहे हो ना कितना इजी वे में हम ये बना सकते हैं आप। और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इजी है और खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। और ये हमारा जो लास्ट वाला बाकी है उसका भी हम सेम प्रोसीजर से कर लेंगे। अभी जो हमने बॉल्स बनाए थे ना ओरियो बाइट्स के, तो उसके उसको हमें चॉकलेट सिरप में डिप कर लेना है। तो मैं ये अच्छे से उसको डिप कर लेती हूँ, पूरा डिप कर लेना है हमें। और फिर उसको ऐसे निकाल लेना है, मतलब उसका जो एक्सेस है वो ऐसे गिरेगा। ओ वेट, एक सेकंड, मैंने इसको ग्रीस नहीं किया, एक सेकंड, मैं इसे ग्रीस कर लेती हूँ ऑयल से, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ऑयल या बटर से या किसी एक भी चीज़ से आप ग्रीस कर सकते हो। मैं इसे जैसे इसके ये बटर के थ्रू थोड़ा सा ग्रीस कर लेती हूँ, क्योंकि जब हम निकालेंगे तब वो परफेक्टली निकलेगा, नहीं तो फिर चिपक जाएगा नीचे। इसलिए थोड़ा सा आप याद से ग्रीस कर लेना। इसका एक्सेस हम निकाल देंगे, इसका एक्सेस हम निकाल देंगे और हम इसके ऊपर ऐसे प्लेस कर देंगे। फिर हम सेम प्रोसीजर सबके साथ करेंगे। उसको पूरा चॉकलेट में अलट पलट कर लेना है हमें। चॉकलेट का एक्सेस निकाल लेंगे वापस, वापस इसके ऊपर रख देंगे। इसे हमें रेफ्रिजरेट होने रख देना है। आप कौन सा भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हो, मैंने इसमें चॉकलेट यूज़ किया है, आप वनीला यूज़ कर सकते हो। और अभी मैं आपको ये फ्रिज करके बता मतलब फ्रीज़र में रखूँगी 1 to 2 hours के लिए, तो ऑलमोस्ट पूरा अच्छे तरीके से फ्रीज हो जाएगा। सो फ्रीज कर लेते हैं। मैंने मिल्की बार मेल्ट कर दिया और उसे मैंने ऊपर से ड्रिजल कर दिया। आप वाइट चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हो। एंड वी आर डन। आप भी ये ओरियो बाइट ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगा ये खा के।